हल्के के गांव चौगावा में कोरोना पॉजिटिव का एक और केस मिला है। यह कोरोना पॉजिटिव केस 23 वर्षीय एक लड़की का है। आपको बता दें कि गत दिवस एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया था। यह लड़की उसी की बेटी है जो उसके साथ रहती थी। इस परिवार के 10 लोगों को आइसोलेट किया गया था। उन सभी की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें मात्र केवल ईश्वर सिंह की लड़की ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, बाकी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बारे में इंद्री एसडीएम सुमित सिहाग ने बताया कि ईश्वर सिंह का मुलाना मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टेस्ट हुआ था, जहां से उसको पॉजिटिव घोषित किया गया था, जिसको लेकर हमने पूरे गांव को बफर जोन एवं उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। वहां पर बैरिकेड्स लगा के उन लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि देर शाम को 2 लोगों को भी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं पर गांव में हुई एक मौत के बारे में भी उन्होंने कहा कि उस बारे में मेडिकल जांच चल रही है। यदि उस व्यक्ति में कोरोना संबंधित कुछ दिखाई देता है तो उस बारे में मेडिकल टीम निर्णय ले सकती है कि उसका किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। कल चौगावा में ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उनके परिवार वालों को, लगभग उनको मिलाकर के 9 लोगों को शिफ्ट किया था कल्पना चावला, जिनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें उसकी 23 वर्षीय बेटी भी पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन ने उनकी गली, जिसमें उनका मकान था, उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है और उसमें किसी की एंट्री एग्जिट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल वहाँ डिप्लॉय किया गया है, गांव को बफर जोन डिक्लेयर किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि भाई किसी प्रकार से भी आप अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं। पूरे गांव की मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के द्वारा की गई है और किसी में भी अगर लक्षण या कोई भी ज़रूरत ऐसी महसूस होती है कि भाई जिससे उसका सैंपल लिया जाए, तो वो भी डॉक्टर की टीम द्वारा किया गया है। जो लेकर गए थे कल उनके परिवार वालों को, उनके सैंपल लिए गए थे, जिनमें उनकी बेटी को पॉजिटिव पाया गया, बाकी नेगेटिव आए हैं। हाँ, उसकी रिपोर्ट, उनके सैंपल अगर लिए गए हैं तो उनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, देखते हैं उसके बारे में जानकारी हमें तुरंत मिल जाएगी। हाँ, हमारे पास सूचना आई है कि उसी गली में किसी की व्यक्ति की डेथ हुई है और जैसा कि अभी बताया गया है वहाँ पर लोगों के द्वारा कि भाई उसने 2 दिन पहले स्टंट डले हैं, तो इस बारे में डॉक्टर की टीम को वहाँ भेजा गया है ताकि वो इसके बारे में जो है ज़रूरी जानकारी ले सके और आगे कार्रवाई बता सके। संस्कार वगैरह किस तरह से किया जाएगा? देखिए, वो डॉक्टर की टीम बताएगी कि इसमें किसी प्रकार का अगर कोरोना के बारे में संदेह है तो उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.